जाना था होगा। यार ट्रेलर के साथ साथ हमारा दिल्ली का एक स्क्रीनिंग हो चुका है जहाँ हम ट्रैवल कर रहे थे पूरे प्रमोशन में, तो जिस किस्म का रिस्पांस आया कि लोगों को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगी कहानी, सबको लगा हमारे घर की है, जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा। हम कितना इस किस्म का प्यार जो मिल रहा था रिव्यू में, हमें बहुत मज़ा आया। और अब दिल्ली में चीज़ें, बॉम्बे में चीज़ें शुरू हुई हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट है। आज हमारा यहाँ बॉम्बे का स्क्रीनिंग है, अभी चल रही है अंदर स्क्रीनिंग, तो यही इंतज़ार होता है किसी भी एक्टर का। इतने साल आप महीने साल लगा के आप फिल्म बनाते हैं और आप इसी दिन का इंतज़ार है, तो बहुत एक्साइटमेंट है। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाके आप लोग ने प्रमोशन किया, कोई ऐसी बातें जो कॉमन लगी हो प्रमोशन के दौरान, कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो कॉमन लगा हो आप लोग को? अगर एक बात करूं तो जो टॉपिक है, जो जिस बात है, वो हर शहर में जहां भी हम गए हैं वहां पे हमें एक किस्म का रिस्पांस मिला है कि लोगों को लगा है यार ये कहानी सबके घरों में होती है। हर जना ने हमसे कहा है कि यार ये मेरे घर में भी बात होती है ना, शादी के बाद लड़कियों का एक रिलेशनशिप होता है अपने नए फैमिली के साथ और माँ बाप के साथ, और लड़के कैसे डील करते हैं इस चीज़ के साथ, और लड़कों का एक अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो हर जने ने हमसे एक बात करी। और जहां भी हम लड़कियों से मिले हैं सब ने एक ही किस्म का रिस्पांस दिया, तो मुझे लगता है वो एक कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ थी कि लड़कियों को लग रहा था मतलब कि हाँ इस तरह कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उनको भी डिफ़िकल्टी होती है अपने पेरेंट्स की हेल्प करने में, पेरेंट्स ही हेल्प नहीं लेते, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की चीज़ आ रही है, क्योंकि वो इस चीज़ से, इन सिचुएशन से गो थ्रू कर रही हैं, स्पेशली वर्किंग लड़के, इंडिपेंडेंट लड़कियाँ। और साथ में जितने भी लड़के हैं उनको ये बोला जाता है ना कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप तो लड़के हैं, आपका काम है, तो कहीं ना कहीं वो आइडिया कि यार आप सक्सेस को किस तरीके से नापा जाता है, और हमेशा आपसे बोला जाता है कि नहीं बेहतर करो जो आपके पिछले परिवार वालों ने किया उनसे ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से जो एक लड़का लड़की जो चीज़ों में जूझते हैं यूथ, आई थिंक उन दोनों चीज़ों के साथ लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया और हम वही चीज़ कर चाहते थे फिल्म के थ्रू, और वही हो रही है। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कहाँ पे इसकी शूटिंग हुई, कुछ लोकेशन के बारे में भी जानना चाहूँगा, और एक्सपीरियंस कैसा था? उदयपुर में शूट हुई है और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि तुषार इतने अच्छे बेहतरीन एक्टर हैं आप सब जानते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया काम करके, यू नो चैलेंज लगा कि नहले पे दहला वाली जो बात होती है वो फील हुई, और मुझे लगा कि मैं कैसे कैसे बेहतर करूं कि मेरा भी थोड़ा सा नाम हो जाए। तुषार आपसे जानना चाहूँगा, जब आपको किरदार के बारे में आपको बताया और नाम बताया कि टीटू अंबानी होगा, तो आपके दिमाग में क्या कुछ आया? अंबानी, लाइक वी ऑल नो अंबानी इज अ रिच सरनेम, या तो कहीं ना कहीं जब मुझे कहानी दी गई ना पढ़ने के लिए, तो जब मैंने टाइटल पढ़ा तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हुई कि है क्या ये, कि जब तक आप कहानी नहीं पढ़ते टाइटल अपने आप को एक क्यूरियोसिटी देता है। तो मैंने जब टीटू अंबानी पढ़ा तो मुझे ना बड़ा मज़ा आया, बिकॉज टीटू बड़ा एक लोकल लड़के का नाम लग सकता है ना, गली में लड़का खेलने वाला, कोई ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं लगता है, आम लड़का है, और साथ में अंबानी सरनेम जुड़ जाता है। तो जब वो पढ़ी तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, जब कहानी पढ़ने लगा तो समझ में आया कि यार इसका मतलब क्या और क्यों वो कैरेक्टर ऐसा बनता है। और कहीं ना कहीं एज एन एक्टर हम सबको यार एक एस्पिरेशन होती है कि कहानी आपके ऊपर हो, आप टाइटल रोल प्ले करें, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक साथ मिली और कहानी इस तरीके की है, पिक्चर देखने के बाद लोग वो थॉट अपने साथ घर लेके जाएंगे और सिर्फ एंटरटेन होकर ख़त्म नहीं हो जाएगी वो बात। तो ये सारी बातें आर्टिस्ट हमेशा चाहते हैं कि यू नो ऐसे कहानी का जुड़ें, तो वही रहा। और उदयपुर में हमने शूटिंग करी, और रोहित जो डायरेक्टर और राइटर हैं इस फिल्म के, उन्होंने बहुत चुन के उदयपुर फाइनलाइज किया, बिकॉज कहीं ना एक छोटे शहर की कहानी, और हम बहुत आजकल देख रहे हैं छोटे शहरों की कहानी बन रही है, और वो सारी वो तंग गलियाँ छोटे जगहों में ही होती हैं। कहीं ना कहीं विजुअली ना उदयपुर ने हमें वो दोनों फीलिंग दे दी कि वो छोटा एक इलाका भी लगता था और बहुत खूबसूरत भी था, जैसे हम सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं उदयपुर को, तो कहीं ना कहीं वो बहुत एक्सपीरियंसली हमें बहुत अच्छा लगा और शूटिंग करने में बहुत मज़ा आया। उदयपुर की चर्चा हुई है, तो उदयपुर में हाल ही में बहुत बड़ी घटना हुई है जी, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप, दोनों से जानना चाहूँगा कि फेयर था अनफेयर था? यार मैं तो यही कहूँगा बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, और कोई भी गलत बातें नहीं करनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, बिकॉज पहली बात तो पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में बोलना। ऑब्वियसली किसी भी फॉर्म ऑफ वायलेंस इज़ रॉन्ग, इट्स अनफेयर, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई थिंक उसके बाद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज जैसी बातें कम्युनल हो जाती हैं तो हम सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे तनाव ज़्यादा बढ़े। तो आई थिंक वायलेंस इज़ रॉन्ग, एंड आई थिंक मैं इतना ही अभी कहना चाहूँगा। मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि ऑब्वियसली अगर हम कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ और ज़्यादा पकड़े हवा, तो ऑब्वियसली जो गलत है वो तो गलत है ही। वायलेंस तो जैसे तुषार, मैं पूरा एग्री करती हूँ कि वायलेंस तो नहीं करना चाहिए, और बस इतना ही। ओके, सो लास्टली जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहूँगी, स्मॉल मैसेज?
8 जुलाई कल आ ही गई है और फाइनली हमारी फिल्म आ रही है थिएटर में जो आपके लिए बनाई है, तो प्लीज़ आकर इसे एंजॉय करें। सिनेमा हॉल में अपनी टिकट बुक करें, बुक माई शो पे आप जा सकते हैं, जाकर टिकट ले सकते हैं। गिव अस अ चांस, दिस अ डिफरेंट फिल्म विच इज़ मेड ओनली फॉर यू, तो डू एंजॉय इट। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत बार क्या होता है कि बहुत जब बड़ा बैनर नहीं होता है ना तो बहुत बार लोगों तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है एज मेकर्स एज आर्ट एक्टर्स, और कहीं ना कहीं बहुत कोशिश करिए कि यार हमने एक छोटी और ऑनेस्ट फिल्म बनाई है, जिस किस्म के एक्टर्स इस पिक्चर से जुड़े हैं उन सबको हमने देखा है, रघुवीर जी, वीरेंद्र सक्सेना, सपना सांड, समता सागर, सब बहुत क्रेडिबल एक्टर्स हैं और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश की है यार कि हम ऐसी छोटी फिल्म को थिएटर तक लेके आएँ, क्योंकि आजकल ऐसी फिल्में सिर्फ OTT तक जा पाती हैं, तो कोशिश वही है कि हम ऐसा कुछ बना पाएँ और लोगों का सपोर्ट होगा तो ही इस किस्म की कहानी और आगे बढ़ पाएंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक ऐसी कहानी को लाना जो बहुत ज़्यादा थिएटर में नहीं खुलेगी। तो मेरी कोशिश यही है कि एक बार आप मौका दें और आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।